ड्राई फ्रूट के इस मिक्सन को ऐसी पूरी में डालो, हाँ, मैदे की पूरी को फिर ऐसे मोड़ो और फिर ऐसे ऐसे दबाते जाओ। एक इसको ली, ठीक से बना ना। सफलता का शॉर्टकट, पैसे दो, रोल खरीदो। अब मुझे एक बड़ी हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। डर गई थी या भाग गई थी वहां से? आज मुझे पता लगा कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे मुसीबत में छोड़ के जा सकती हो और वो लक्ष्मी आज दूसरी बार मुझे बचाने आई है। सूरज, मैं एंड वक्त पर वहां से चली गई तुम्हारे भले के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी हमें साथ में देख ले, और ये भी नहीं चाहती थी कि मानवानी के गुंडे गाड़ी में पड़े 40 लाख को देख ले। कहाँ है वो पैसे? पैसे? वो पैसे तो मैंने प्रोड्यूसर को दे दिए, और पता है उसने मेरा रोल बढ़ाने का वादा भी कर दिया। ये तुम क्या कर? हाँ, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम उस मानवानी को 15 दिन तक आराम से उल्लू बना लोगे। अब अगर तुम उल्लू नहीं बना पा रहे हो तो मैं अपने प्रोड्यूसर से पैसे वापस मांग लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा कार्य तो तुम रहने दो। तुम पैसे मत मांगो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। बस इतने सारे गहने, कौन सा वाला पहनूं? ये वाला या ये वाला? अभी वो वाला हार खोलिए ना। लगता है मेरा काम हो गया। इन गहनों को बेचकर मैं आराम से 40 लाख निकाल लूंगा। बहुत ही अच्छा प्रपोजल मेरे दिमाग में आया था, केमिकल का बिजनेस। हमें सिर्फ रॉ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बाकी केमिकल बनाना, उसे बेचना, वो सारी जिम्मेदारी उसकी है। कुछ नहीं करना है हमें, और बैठे बिठाए 50% का फायदा, 50% बाबूजी सोचिए। बाबूजी सिर्फ उसके बदले में, वैसे बहुत छोटी बात है, हमारी अंकलेश्वर वाली जमीन कभी नहीं। मगर क्यों बाबूजी? आराम से कुछ भी किए बगैर इतना सारा पैसा आएगा बाबूजी। यहाँ तक कि हम लोग इंपोर्टेड कार, फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर सकेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप मना क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्वर्ग देखना है ना, तो खुद मरना पड़ता है विजय। सफलता का सुख चाहिए तो खुद मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे पिताजी ने वो अंकलेश्वर वाली जमीन अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी थी। उसके बाद हमारे परिवार ने तरक्की की है, वहां केमिकल फैक्ट्री खड़ी करके मैं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। समय आने पर वहां स्वास्थ्य केंद्र जरूर खोलना चाहता हूँ।